कई दिनों की माथा पच्ची के बाद भाजपा के पिटारे से निकले प्रभु और प्रभुदयाल पटेल की स्वागत रैली शहर के मोतीनगर चौराहे से होती हुई गौर मूर्ति 3 बत्ती पर समाप्त हुई। एक कार्यक्रम भी रखा गया। असलियत में शहर के भाजपा नेताओं का बहुत बड़ा तबका प्रभु की नियुक्ति से खफा है और वह रैली से नदारा दिखे। माना जा रहा है कि लक्ष्मीनारायण यादव, पारुल साहू और प्रदीप लारिया की टिकरी के साथ स्वयंभू नेता सुधीर यादव ने अपने गुट के नेता को अध्यक्ष कुर्सी पर बैठाया है। वैसे भी जातिगत राजनीति को हवा देने वाले सांसद पुत्र मौके की राजनीति को भांप कर अपना उल्लू सीधा करते हैं। भाजपा सूत्र बताते हैं कि हार्दिक पटेल की ओट में इन नेताओं ने आला कमान के कान भर कर यह नियुक्ति करवाई है। इतना ही नहीं, सांसद और उनके पुत्र ने कुछ दिनों पहले पार्टी के खिलाफ बयान भी दिए। इन दोनों नेताओं की जातिगत राजनीति हमेशा भाजपा को परेशानी में डालती है। सवाल है, अगर ऐसे नेताओं की पार्टी में चलने लगे तो पार्टी के समर्पित नेता तो नाराज होंगे ही। अब जब जिलाध्यक्ष को आसमान से उतारा है तो पार्टी में अंतर कलह भी भाजपा की जमीन पर दिख रही है। सूत्र बताते हैं कि दोनों मंत्रियों के समर्थकों के अलावा पार्टी के कई विधायकों से तो इस संबंध में राय तक नहीं ली गई। बहरहाल गृह मंत्री ने डैमेज कंट्रोल कर इसे पैराशूट लैंडिंग नहीं बल्कि जमीन का कार्यकर्ता बताकर बात को संभाला है। अब देखना होगा कि प्रभु जी, जिनका नेटवर्क सिर्फ कैंट इलाके तक है, वो जिले में अपनी पार्टी और अपनी जाति में कितना अपना मायाजाल फैलाकर मिशन 2018 के लिए कितना सफल होते हैं। सागर एक्सप्रेस न्यूज के लिए इकराम के साथ हेमंत नवरंग की रिपोर्ट।